एवरीवन, आई एम रागिनी एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं रिएक्ट करने वाली हूँ मेरे फेवरेट यूट्यूबर एंग्री प्राश के ऊपर, जो मुझे बहुत पसंद है। और एक चीज कॉमन है हम दोनों में, वो पुणे में रहने वाले हैं और मैं पुणे में भी रह के बैंगलोर शिफ्ट हुई हूँ। सो मुझे बहुत इनका बहुत टाइम से वेट था कि कब वीडियो आया, कब मैं इस पर रिएक्ट करूँ। सो आज मौका आ गया है, मुझे मिल गया मौका रिएक्ट करने का। सो स्टार्ट करते हैं रिएक्शन। सो स्टार्ट रिएक्शन। मैं अंगद प्राश की वीडियो का बहुत बेसब्री से वेट करती हूँ कब उनकी वीडियोस आए, कब मैं देखूँ उनकी। मैं वीडियोस को इतनी बार मैंने देखा है, आधा ज़्यादा मुझे याद हो चुके हैं। और बस टॉपिक मिलना चाहिए, बस मैं फटाफट से बोल देती हूँ, आगे के लाइन्स खुद ही बोल देती हूँ मैं। उनकी वीडियो काफ़ी पसंद है मुझे, उनकी काफ़ी निश्चित लगती है। जैसे उनकी फ्रस्ट्रेशन, काफ़ी उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन है। लाइसेंस के लिए एक बार हुआ था उनका, कुछ वीडियोस आए थे, काफ़ी अच्छी लगी थी। और उनकी वीडियोस काफ़ी अच्छे होते हैं यार, उनकी डायलॉग्स काफ़ी यूनिक होते हैं, काफ़ी अलग होते हैं। और वो कॉमन चीज़ जो हम लोग अपने लाइफ में फर्स्ट यूज़ करते हैं, जब अपने अंदर बोलते हैं, बाहर उसको निकालते नहीं, और वो बाहर निकालते हैं, इसलिए लोग काफ़ी पसंद करते हैं उनकी वीडियोज़ को। एंड मैं भी सेम चीज़ कहूँगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब, और जल्दी मिलूंगा आपसे मैं। तब तक के लिए।